इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जो फरीदाबाद से आ रही है। फरीदाबाद में जबरदस्त बवाल हुआ है। गांव वालों ने पुलिस पर पथराव किया, जवाब में पुलिस ने भी भीड़ पर लाठी चार्ज किया। घटना फरीदाबाद के खोरी गांव की है, जहां महापंचायत होनी थी और इस महापंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी को भी आना था। ये महापंचायत अरावली रेंज में बने अवैध घरों को गिराने के खिलाफ होनी थी। जमावड़ी की तैयारी गुपचुप तरीके से चल रही थी। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची तो गांव वालों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भी जमकर यहां लाठियां बरसाई। फरीदाबाद के खोरी गांव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पुलिस ने गांव वालों पर लाठी चार्ज किया। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक ये लाठी चार्ज इसलिए किया गया क्योंकि वहां पहले गांव वालों ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू किया। दरअसल यहां पर एक महापंचायत होनी थी और इस महापंचायत की गुपचुप तरीके से तैयारी चल रही थी और इस महापंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने भी शामिल होना था, लेकिन जैसे ही वहां पर पुलिस पहुंची तो गांव वालों ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया और इसके बाद पुलिस ने यहां पर जमकर लाठियां बरसाई। हालांकि फिलहाल वहां पर स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जतिन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, पुलिस बल की जाहिर तौर पर वहां तैनाती होगी, फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी है? खबर ये भी है कि किसान नेता ने पहुंचना था, क्या वो पहुंचे? बिल्कुल ज्योत्सना, किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सड़क के किनारे वो स्थानीय लोगों के साथ जो है एक तरीके से प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। और आपको अगर मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर पुलिस भारी संख्या में तैनात की गई है और आप ये देखेंगे कि एक तरीके से बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया है और उस बैरिकेड को लगाने के बाद स्थानीय लोगों को अंदर ही रखा जा रहा है और लगातार उनकी तरफ से नारेबाजी भी यहाँ पर की जा रही है। दरअसल सुबह किसी गाँव के अंदर एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, उस महापंचायत को रोकने के लिए पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही थी कि आप महापंचायत नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने जब उनकी बात नहीं मानी और उसके बाद से स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया और पथराव जब शुरू किया गया तो पुलिस ने भी लोगों को खदेड़ना यहाँ से शुरू किया है। हालांकि आप ये देखेंगे भारी संख्या में हरियाणा पुलिस के जो जवान है उन सभी को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील जो है वो की जा रही है। हरियाणा पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी लगातार गुरनाम सिंह चडूनी से बात कर रहे हैं, उनको यहाँ से हटने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि कोविड का समय है और ज्यादातर जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद हैं वो बिना मास्क और प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि जो स्थानीय लोग हैं वो भारी संख्या में अब यहाँ पर जुटना जो शुरू हो गए हैं और लगातार पुलिस के द्वारा भी ये अपील की जा रही है कि लोग शांति बनाए रखें और गुरनाम सिंह चडूनी को कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश यहाँ पर हरियाणा पुलिस के द्वारा की जा रही है। जो फरीदाबाद पुलिस के सीनियर अधिकारी है वो अभी आप देखेंगे यहाँ पर मौजूद है और लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि वो महापंचायत करना चाहते हैं, गुरनाम सिंह चडूनी को गाँव के अंदर भेजा जाए क्योंकि इस बैरिकेड के ठीक बाहर गुरनाम सिंह चडूनी बैठे हुए हैं। तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। जब हमने गुरनाम सिंह चडूनी से बात करने की कोशिश की और उनको कहा कि आप किस तरीके से जो किसानों का मुद्दा था उससे डाइवर्ट करके आप इस मुद्दे पर आ रहे हैं, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो आंदोलनकारी हैं और हर आंदोलन में हिस्सा लेना उनका अधिकार है और लोगों के हित की बात वो करते हैं और उन्हीं हित को लेकर आप ये देखेंगे मेरे पीछे यहाँ पर जो फरीदाबाद पुलिस के अधिकारी हैं वो लोगों से बात कर रहे हैं और गुरनाम सिंह चडूनी को यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। जब हमने पुलिस पर पथराव करने की बात यहाँ के लोगों से की तो उन लोगों का भी यही कहना है कि पहली जो कोशिश है वो पुलिस के द्वारा की गई, लोगों पर लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो सबके सामने है, लेकिन गुरनाम सिंह चडूनी साफ इसी बात पर रखे हुए हैं कि जब तक उनको अंदर नहीं।
बिल्कुल जतिन, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर मौजूद हैं। गांव वाले जो हैं बैरिकेड्स बना दिए गए हैं, वो उस इलाके के अंदर ही हैं। चडूनी भी वहां पहुंच चुके हैं, वो बैरिकेड्स के दूसरी तरफ हैं। वहां पर आपने बोला हरियाणा पुलिस के बड़े ऑफिशियल्स भी हैं, अगर आपके से आपके लिए संभव हो पाए तो उनसे बात कीजिए, पूछिए कि किस तरीके से इस पूरे मामले को शांत कराया जाएगा। और सीधे सीधे तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना भी है। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं जतिन बात करने की। फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं फरीदाबाद के गांव से, आप देखिए ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प हुई। हालांकि पुलिस को जब पता चला कि यहां महापंचायत का आयोजन किया गया है तो पुलिस मौके पर पहुंची। जतिन, मेरे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, आपने बोला कि हरियाणा पुलिस के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स भी वहां पर मौजूद हैं, अगर संभव हो तो उनसे भी बात कीजिए पूरी सिचुएशन को मद्देनजर और जिस तरीके से कोर्ट के आदेश की अवमानना की जा रही है। जी बिल्कुल ज्योत्सना, आप देखेंगे कि लगातार कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि गुरनाम सिंह चडूनी को सबसे पहले समझाया जाए, जो कि सड़क के एक किनारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने कई सीनियर अधिकारियों से बात करने की यहाँ पर कोशिश की, उनका भी यही कहना है कि हम लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको देखते हुए वो इस गैदरिंग को अलाउ नहीं कर सकते हैं, और यही कोशिश गुरनाम सिंह चडूनी को भी समझाने की है और जो स्थानीय जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आप देखेंगे, दरअसल यही खोरी गाँव जाने का पूरा रास्ता है और इसी रास्ते में तकरीबन 100 मीटर दूर ही वो ग्राउंड है जहां पर महापंचायत की जानी थी। पुलिस द्वारा अब इस पूरे इलाके को बैरिकेड करके रोका गया है और आप देखेंगे कि बीच जो सड़क है वहां पर ही जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं उन लोगों का यही कहना है कि वो महापंचायत करना चाहते हैं और गुरनाम सिंह चडूनी को इस गाँव के अंदर आने दिया जाए। पुलिस लगातार गुरनाम सिंह चडूनी को समझाने की कोशिश कर रही है कि कोविड का समय है, इतनी गैदरिंग यहाँ पर नहीं हो सकती है और कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। उसी को देखते हुए यहाँ पर की जा रही है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है और बैरिकेडिंग कर दी गई है जिसकी एक तरह। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।